feeling is the force or ether which is penetrated through the space. हम जितना ऊपर 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 हाई लेवल में जाते हैं, इफ यू नो फ्लाइट में भी जब जाते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, राइट? सो जहां पे वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वहां से आपका ईथर लेवल शुरू होता है, विच इज नोन एज द डिवाइन पावर एनर्जी या डिवाइन एनर्जी, राइट? सो वहां तक जाके हम उस ऊर्जा को उठा के आके हमारे अंदर भरेंगे. दैट इज all about cosmic healing. Cosmic name is known as Brahmand, universe, pran shakti, force. ये इसके different different variety के names हैं, right? And what do you mean by healing? Healing means anything which is fulfilled, complete. मतलब पूरा संपूर्ण होता है. अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने आज आपकी हीलिंग की है, दैट मीन्स यू शुड फील दैट इफेक्ट, यू शुड बी इन अ जॉयफुल मोड. आपको अगर प्रॉब्लम भी है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देन योर हार्ट शुड बी हैविंग दैट हैप्पीनेस इन यू, राइट? सो वो एक अपना ऊर्जा जो बढ़ाते हैं दैट इज नोन एज हीलिंग. किसी का भी हीलिंग करने से पहले, जैसे मैंने इंट्यूटिव में बहुत लोगों को सिखाया कि स्कैनिंग कैसे करनी, हीलिंग करने से पहले, हीलिंग करने के बाद आपको उनका ऑरा बड़ा दिखना चाहिए, इसीलिए उनके अंदर फिर वो पूरा एनर्जी भरता है. अगर नहीं हुआ दैट मीन्स आपकी हीलिंग पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं है. ओके, नाउ एनर्जी हीलिंग इज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप, बट इसमें जो मैंने फोकस किया है मेजरली इज ऑल अबाउट सेल्फ हीलिंग. बिकॉज हम लोग हर बारी दूसरों की हीलिंग करने में लगे रहते हैं कि पहला सीखा नहीं तो मैं ये किसके लिए करूं, क्यों करूं. दूसरों की भी हीलिंग सिखाऊंगी मैं, बट एट द सेम टाइम फर्स्ट वी विल वर्क ऑन आवरसेल्फ.